नमस्कार, मैं ग्यासुद्दीन लसानी स्वागत करता हूं आप सभी का पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्ता में। मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड परमानंदपुर पंचायत में भ्रष्टाचार सीमा पर है। बताया जा रहा है कि इंदिरा आवास में काफी लूट मची है। अगर मधेपुरा की बात करें तो सबसे बड़ा प्रखंड कुमारखंड है। कुमारखंड प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहां इंदिरा आवास के नाम पर गरीबों का पेट चीरकर उनसे पैसा निकाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, एक किस्त 40,000 आते हैं, एक लाभार्थी को उसमें से 15,000 कमीशन ले ली जाती है। एक तरफ सरकार गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना चलाती है जिसमें गरीब परिवार अपना घर बना सके, मगर अफसोस है कुमारखंड प्रखंड का नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन ही कमीशन लिया जाता है। प्रतिनिधि से लेकर के उसके पुत्र और उनके जो जानने वाले हैं वह भी दलाली पर उतर चुके हैं। आखिर किन किन को कमीशन मिलती है, आखिर क्यों गरीब के पेट पर लात मारा जाता है, आखिर कब तक चलता रहेगा यह? बिहार और खासकर मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में इस तरह का भ्रष्टाचार जो चल रहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता शाहिद हुसैन के साथ। आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड और परमानंदपुर पंचायत में मौजूद हैं। और परमानंदपुर पंचायत की अगर हम बात कर ले तो जिस तरह से बीते 10 साल से स्थानीय लोगों के ऊपर, मतलब धरातल की बात करें, जो काम होता है ये सिर्फ कागजी तौर पर काम होता है। अगर बड़े अधिकारी अच्छे से जांच कर ले तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार और भ्रष्ट हमारे पंचायत और हमारे प्रखंड से खत्म हो जाएगा। एक बार तस्वीर दिखाइए इस जगह का। ये तस्वीर है, ये वही गरीब आदमी का घर है, ये वही गरीब किसान का घर है जो 1,20,000 का इंतजार करते हैं कि सरकार का 1,20,000 आएगा तो हम घर बनाएंगे। क्या बात सही है या नहीं? सही है। सही है। बात सही है या गलत है? नहीं, सही है। सरकार का पैसा का इंतजार करते हैं ना? कोई बिजनेस तो नहीं चलता है आपका? किसान क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। तो मतलब ये इंतजार करते हैं कि सरकार का जो 1,20,000 आएगा उससे हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा घर बना लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये भाई साहब है और ये भाई साहब है, इनसे हम नहीं पूछेंगे, ये खुद बताएंगे। जरा सा इधर घूम जाइए, इधर। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू सरदार। शादी हुए कितना दिन हुआ आपका? शादी हुआ 10 साल से ज्यादा हो गया। 10 साल ज्यादा। करते क्या है? गृहस्थानी करता है, मतलब खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, इंदिरा आवास जो आता है सरकार का पैसा, वो मिला कभी कि नहीं मिला? नहीं, पहले नहीं मिला। इस बार मिला है तो 1,20,000 वाले है। 1,20,000 मिला है। अभी दो ही किस्ती गिरा है। दो किस्त गिरा है, अभी तीसरा किस्ती बाकी है। मतलब दो किस्त में कितना कितना रुपया आया आपके खाता में? 40-40 80,000 आया। 80,000 आया जी। उसमें से आप किसको किसको क्या दिए? अभी कुल मिला के एक बार 32,000 रुपया आया, एक बार 38,000 रुपया आया। 38,000 हुआ तो नहीं, 38 नहीं, पहला किस्त जो आया था वो कितना आया था? 25,000 आया पहला किस्त में। 40 एक मिनट सुनिए, पहला किस्त जो 25,000 आया उसमें से कमीशन कितना दिए? उसमें से पहला किस्त है 40,000 आया, उसके बाद उसे 15,000 रुपए काट के 25,000 रुपए दिया। अच्छा, पैसा आपके खाता में आता है या किसी और के खाता में? हमारे खाता में आता है। तो पैसा वो कैसे ले लेता है? वो ले जाता है, फिंगर दिला के 40,000 के दो बार के किस्ती उठा लेता है, वो 15,000 रुपए काट के 25,000 रुपए दे। कौन लिया आपसे पैसा? मुखिया। क्या नाम है मुखिया जी का? विश्वनाथ साह। मुखिया जी लिया या मुखिया जी का कोई और? नहीं, वो दूसरा लिया, लड्डू नाम है उसका। लड्डू नाम है। हाँ जी। वो कौन है मुखिया जी के? उसका मुंडा है वो, मतलब लड़का है। लड़का है। खाता इसका है, घर इसका बनेगा और मजदूर इसके यहाँ काम करेंगे, मगर फायदा कौन उठाएगा? कौन लिया 15,000 रुपया? लड्डू लिया। वो मुखिया जी का कौन है? उसका लड़का है। अच्छा, कह के पैसा लिया है? कह के लिया है, 15,000 रुपया लेंगे। 15,000 रुपया लेंगे? 15,000 रुपया। और आप पैसा देते हैं क्यों? नहीं, वो बोलता है 15,000 रुपया लेंगे, इसको बाद फिर इसके बाद किस्त होगा दूसरा किस्त में, उसमें लेंगे 8,000 रुपया, फिर उसमें भी लेंगे 5,000 रुपए। तीसरा किस्त पूछते नहीं है कि मतलब पैसा जितना लेते हैं क्या करते हैं? उससे पूछते हैं तो बताता है जो खर्चा होता है वैसे वही लेंगे हम। 1,20,000 पाने के लिए या कमाने के लिए लोगों को एक साल मेहनत करना पड़ता है, मगर कुछ दलाल की बात करे, भ्रष्ट अधिकारी की बात करे तो राम
परमानंदपुर पंचायत की अगर बात करें, जो गरीब आदमी का जो घर देख रहे हैं आप, जिस तरह से 1,20,000 का इंतजार करते हैं और घर बनाने के लिए ये करते हैं कि हम घर बनाएंगे, कोई आदमी कोई व्यक्ति इंदिरा आवास का पैसा से अपनी बेटी का शादी करता है ताकि उसके बेटी का घर बस जाए, मगर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, जो ब्लॉक में बैठकर पीसी खाते हैं, मुझे शर्म आता उन अधिकारियों का नाम लेते हुए। और इस परमानंदपुर पंचायत के प्रतिनिधि के बारे में अगर बात करें, जिस तरह से यहाँ के लोग ने बताया कि 15,000 20,000 रुपया लिया जाता है कमीशन इंदिरा आवास के नाम से, ये एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति इस पंचायत के अंदर है। ये भी इधर इधर आइएगा, क्या नाम हुआ आपका? दिलीप सर। आपसे क्या क्या मांग हुआ ये बताइए। 15,000 रुपया एक बार। अच्छा, उसके बाद 8,000 दे दिए पैसा? दे दिए। बताइए ये गरीब 75,000 में कहाँ से घर बनाएगा? अगर किसी के पास सवाल है, कोई अधिकारी के पास सवाल है, तो वो हमसे डिस्कस करे कि गरीब आदमी जो पैसा लेकर के ब्याज पर घर बनाता है और इंदिरा आवास साल में 5 साल में 20 साल में 10 साल में वो इंतजार करता है कि मुझे इंदिरा आवास मिलेगा तो हम घर बनाएंगे, इंदिरा आवास मिलेगा तो हम बेटी का शादी करेंगे, मगर जो बिचुलिया दलाल है, हालांकि सरकार ने आवास सहायक का भी बहाली किया है पंचायत के अंदर, मगर पंचायत के अंदर आवास सहायक कभी घूमने नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि वो दलाल पैदा कर चुके हैं और दलाल को पैदा करके रख दिए हैं पूरे प्रखंड के अंदर। अगर बात करें मधेपुरा जिला की बात करें तो सबसे बड़ा प्रखंड है ये और 21 पंचायत का प्रखंड है, और इसीलिए इतना भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार सीमा पार कर चुका है। ये बताइए कि 75,000 में कैसे घर बनाइएगा? 75,000 रुपए में घर थोड़ी बना पाएंगे, उसके बाद कुछ तो लेन देन करना पड़ेगा, कर्जा उर्जा। कर्जा लेके घर बनाएंगे मगर कमीशन दीजिएगा, कमीशन दीजिएगा। कमीशन तो लेता है सर। क्यों लेगा? मेरा सवाल ये है कि गलती आपका है, खाता आपका है, बैंक आपका है, पैसा सरकार आपको देती है, तो आप बिचौलिया लोगों को क्यों पैसा देते हैं? तो हमारे पास कोई नहीं बोलने वाले, एक बार हम बोलेंगे तो फिर उसके बाद बोलेगा दूसरा भी हमारा हो जाएगा, बोलता है एक बार हम बोलेंगे दूसरा नहीं बोलेगा तो फिर हम अकेला क्या करेंगे उसमें। मगर ये है कि अगर आप आवाज उठाइएगा तो आपको दूसरा किस्त नहीं मिलेगा। उठा लेंगे आवाज, आवाज अगर नहीं उठाएंगे। आपका आवाज बनने के लिए पीडी न्यूज हमेशा आपके साथ है। आप ये बताइए कि आपसे जो पैसा मांगा गया जबरदस्ती लिया या आपको बुला फसला के लिए? बोला है 15,000 रुपया लेंगे। 15,000 के लिए? अच्छा, आप बता रहे थे कहीं ऊपर देना पड़ता है, मतलब ऊपर देना पड़ता है, जो हमारा खर्चा होता है उतना हम लेंगे। अब सवाल उठता है, बहुत बड़े अधिकारियों पर सवाल उठ जाता है कि आप किनको किनको पैसा देते हैं, यहाँ के मुखिया जी के जो पुत्र हैं वो किनको किनको पैसा देते हैं? ये देखिए गरीब आदमी का घर है और ये गरीब आदमी इंतजार करता है 1 साल का, 2 साल का इंतजार करता है कि 1,20,000 आएगा और हम घर बनाएंगे। इधर आइएगा चाचा, आप भी आइए इधर। क्या नाम है आपका? मिलता अभी तो नहीं मिला, बोला नंबर पास है। नंबर पास है? डिमांड तो आपको भी क्या होगा? डिमांड तो ही होगा, वो मिलेगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सरवन सरदार। पैसा मिला इंदिरा आवास में? ना, अभी चालू भी चालू नहीं हुआ है। सेकंड किस्त में 8,000 रुपया लिया है आपसे? नहीं लिया है, हमको पेमेंट सलंगर सिंह करवाया, हम भी इंदिरा आवास योजना हमको भी मिला है। कितना रुपया मिला आपको? हमको मिला है 40,80,000। हम 5,000 रुपया दिए हैं खुशी से ऑफिस करता। हाँ, अच्छा, वैसे चाय पानी के लिए। अच्छा, और मुखिया जी कैसे लेते हैं पैसा? हम जो उससे उठवाया है, हमारा सामने में गाली भी दिया है, कहता मादर चो सब बिचौलिया खराब कर दिया है, कहता है कि जो उसमें खर्चा लगता है बहुत ऑफिस खर्चा। कहने का मतलब है कि जो हम हमारे सामने हम खनी भी खिलाए हैं मुखिया को। अच्छा, ऐसे एक दो लोग मिले, एक दो लोगों से मुलाकात होगी कि जैसे वो इंदिरा आवास उठा लिए और मुखिया जी उससे जबरन पैसा ले लिए 10,000, 20,000, 15,000, ऐसे कोई लोग मिलेंगे हमें? उसके लिए लाभार्थी मिलेगा? पड़ेगा, हम बिल्कुल हम टाइम देंगे, भर दिन आज टाइम देंगे हम। उसके लिए टाइम करना पड़ेगा। हम पूछे हैं जो मुखिया जी बोला है कि जो एक बार लिया 15,000 और एक बार लिया 8,000 सेकंड किस्त में। कौन बोला ये बात? हाँ, सरदार है हटिया पर का, जो हटिया टोला का सरदार, वार्ड का, वार्ड नंबर 6 का। अच्छा,
एक बार 10,000 दिया है, एक बार लिया है 15,000। अच्छा, एक बार 15,000, एक बार लिया 8,000। 8,000, तब तो 23,000 रुपया हो गया। हाँ, ये मुखिया नया मुखिया लिया या पुराने का मुखिया लिया? नया मुखिया लिया। इंदिरा आवास का कमीशन? इंदिरा आवास का कमीशन। तीनों किस्ती एके बेर भाग लो लोग। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रानी दीदी। अच्छा, इंदिरा आवास में कितना रुपया उठा आपको? दो किस्त उठा 25,000 रुपया। कौन लिया 25,000? क्या लड्डू कौन है वो? मुखिया का बेटा। कैसे बोलिए? मुखिया का बेटा। मुखिया का बेटा, क्या कहा के पैसा लिया? काम धंधा खर्चा वर्चा करे छे। कैसे बोलिए, थोड़ा कैसे बोलिए? खर्चा वर्चा करे छे खाए पिए। अब सवाल उठता है कि गांव के जो मुखिया जी है, उनके जो लड़का है, उनका जो लड़का है, जो उनका पुत्र है, वो इन गरीब का कमीशन खाता है। हमको ये लग रहा है कि उनसे 25, इनसे कितना रुपया लिया? 25,000। मुखिया जी का जो लड़का है लड्डू, वो 25,000 लिया। अब वो 25,000 किसको किसको दिया है? अब सवाल उठता है कि एक इंदिरा आवास जो लाभार्थी होते हैं उनको 1,20,000 मिलता है, जिसमें से 25,000 रुपया इसने कमीशन दे दी। अब ये 75,000 या 80,000 में कहां से घर बनाएगी? ये सरकार का बहुत बड़ा सवाल है। और जो बड़े जो हमारे वीडियो साहब हैं, वो अस्थाई रूप से घटना स्थल पर जांच करने बार बार जाते हैं, मगर वो ये नहीं देखते हैं कि मुखिया होकर, मुखिया का बेटा होकर, प्रतिनिधि होकर, गरीब का, जनता, गरीब जनता का जो पेट पर लात मारकर अपना पेट भरता है। जैसे इंदिरा आवास में इनका 25,000 कमीशन लिया, 25,000 कमीशन लिया, सही बात है? 25,000 लिया। क्या नाम हुआ आपका? रानी दीदी। घर? घर पर नाम वार्ड नंबर?